नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे एक और नए फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं, आप मेरे पीछे का नज़ारा देख ही रहे हैं, आपको एक आश्रम या कुटिया नुमा एक घर दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं गौरेला पेंड्रा मरवाही ज़िले के बस्ती बगरा नामक एक ग्राम से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नटराज आश्रम में, जो कि एक शिव मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और एक आश्रम भी है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैं आपको प्राचीन एक मूर्ति दिखाऊंगा और साथ ही साथ इस आश्रम को दिखाऊंगा, जो कि जंगलों के बीच में घनघोर जंगल है और उसके बीच में पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों आज के एपिसोड हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज का सफर हम लोग चालू कर रहे हैं बस्ती से और जा रहे हैं हम लोग नटराज टेंपल की ओर। और आज के हमारे सफर में हमारे साथ है राजकुमार भाई, जो कि यहाँ के लोकल हैं और वो हमारा कल से साथ दे रहे हैं। और एक और हैं, आइए भाई साहब, विवेक साहू यहाँ से लोकल हैं। अगर आप कभी भी इस ओर आते हैं तो आप ज़रूर इनसे पूछिए, हेल्प करेंगे आपको, मंदिर तक लेकर के जाएंगे। और हमारे जो साथी हैं बाकी के देसी ट्यूबर है नारा जी, वो तो है ही। तो चलिए पूर्ण रूप से आश्रम पद्धति से जो बनाया जाता है खप्पर वाला, और जो साधु संतों का डेरा होता है कुछ उस तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई पड़ जाएंगे यहाँ के जो पुजारी हैं या यहाँ के जो साधु हैं वो बैठे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे धुनी भी जला हुआ है, देख सकते हैं त्रिशूल वगैरह। यहाँ काफ़ी धार्मिक क्रियाएं जो होते रहती हैं। और यहाँ का सबसे मुख्य आकर्षण मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ जो विराजे हुए हैं श्री नटेश्वर महाराज जी, तो आपको ये दिखाई देगा चबूतरा जो कि अभी वर्तमान में निर्मित है। और यहाँ एक आपको शिवलिंग दिखाई देंगे, ये शिवलिंग भी अभी अभी बनाया गया है, लेकिन उनके पीछे जो दिख रहे हैं नटेश्वर नाथ जी, ये काफ़ी प्राचीन है। बताया जाता है कि इसको खुदाई के दरमियान में इधर आसपास जंगलों के बीच से ये निकले हुए हैं। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी खूबसूरत है इनका प्रतिमा, ये पत्थर का है, रंग रोपण अभी किया गया है, परंतु ये काफ़ी प्राचीन है। और यही प्रतिमा के नाम से नटेश्वर नाथ जी का यह स्थान प्रसिद्ध है। आप यहाँ आ सकते हैं अगर आप शांति की तलाश में हैं, आश्रम खोज रहे हैं, या आपको ऐसा शांति वाला स्थान काफ़ी पसंद आता है, तो आपको यहाँ जब आएंगे तो आपको खुद से सुकून मिलना, शांति मिलना चालू हो जाएगा। और आप इस ओर आएंगे तो और भी कुछ मंदिरें हैं जिसे मैं दिखाता हूँ आपको। देख सकते हैं यहाँ जो शंकर भगवान जी का प्रतिमा है, ये पत्थरों से निर्मित, पूर्ण रूप से पत्थरों से निर्मित है, और इसमें रंग रोपण जरूर कर दिया गया है। और ये इनका नटराज जो नृत्य वाला मुद्रा है, ये नटराज मुद्रा के नाम से भी इस स्थान को नटेश्वर नाथ जी का मंदिर और आश्रम बोला जाता है। यहाँ पे एक शिवलिंग भी आपको दिखाई पड़ जाएगा। और इस ओर जो प्राचीन प्रतिमा ये देख रहे हैं, ये खुदाई के दरमियान प्राप्त हुआ है, ये बलवा पत्थर का बना हुआ है, जो आज से हजारों वर्ष पूर्व जो राज शासक थे वो जो बनाते थे, तो ये उन्हीं में से किसी एक राज शासन काल के द्वारा यहाँ किसी समय में भव्य मंदिर रहा होगा, ऐसा अनुमान है स्थानियों का। इस और एक माता जी को भी विराज किया गया है। तो ये जो प्राचीन प्रतिमा को देखकर ही इस स्थान का महत्व और अस्तित्व सामने आया और बढ़ा हुआ है। और आप आगे आएंगे तो इस ओर आपको एक और नवनिर्मित मंदिर दिखाई देगा, जहाँ पे बजरंग बली जी और गणेश जी विराजे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ, ये बजरंग बली जी और गणेश जी को यहाँ विराजा गया है। और आज से कुछ वर्ष पूर्व तक यहाँ के जो मुख्य पुजारी थे, साधु थे, पंडित थे, जो ब्रह्मचारी श्री राम सुखदास जी हैं, तो ये इनका स्मृति यहाँ चिन्ह यहाँ पे लगाया गया है। ये अभी इनका निर्माण हो चुका है और ये यहाँ पे पहले विराजते थे। इस ओर भजन कीर्तन, नवधा रामायण, सारे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन इस ओर होता है। आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे हारमोनिया या अन्य वाद्य यंत्र रखे हुए हैं, जिससे यहाँ पे लगातार धार्मिक जो अनुष्ठान होते हैं वो लगातार होते रहते हैं। और आप देख सकते हैं ये आश्रम है, यहाँ रसोई है, यहाँ माता जी बना रही हैं भोजन जितने भी साधु संतों के लिए, यहाँ बाबा भी हैं, और यहीं रसोई है, जो भी श्रद्धालु भक्तगण आते हैं या यहाँ जो बाबा लोग रहते हैं उनके लिए यहीं भोजन का निर्माण, सात्विक भोजन होता है और निर्माण होता है, यहाँ देख सकते हैं। और इस ओर आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा एक कुटिया नुमा, जो कि भंडारण कक्ष है। यहाँ पे बैठा करके एक विशेष तिथि में यहाँ भंडारा भी होता है और यहाँ भंडारा दिया जाता है। इधर रसोई भी आपको दिखाई पड़ जाएगा, ये रसोई कक्ष है, इधर रसोई में भंडारा बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो भंडारा होता है या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है या इस जो देवालय है, इसे 3 गांवों का मुख्य केंद्र माना जाता है। इस ओर जाएंगे तो लमना है और इस ओर पूटा है,
और यहाँ जो हम बस्ती से आए हैं तो देख सकते हैं सुदूर जंगलों के बीच में, पहाड़ों के बीच में, यहाँ एक फूटा जलाशय भी है, काफ़ी अच्छा है। तो ये सुदूर जंगलों के बीच में और पहाड़ों के बीच में स्थान बसा हुआ है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही रमणीय स्थान है। आप ज़रूर यहाँ आइए, आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। दोस्तों आपको आज के एपिसोड पसंद आया होगा, जिसमें मैं आपको इस आश्रम को जो नटराज आश्रम है उसे दिखाया और यहाँ की खूबसूरत जंगल के वादियों के नज़ारे भी दिखाया। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो और आप हमारे इस चैनल में नए हो तो नीचे आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, जिसे अगर आप दबा देंगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल और ऑल को प्रेस कर लेंगे तो हमारे जो भी इसी प्रकार के वीडियोज़ आएंगे उन सभी का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आसानी से पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। We'll be right back.